सिचुएशन क्रिएट हुआ था बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉर एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी वॉर में इन्वॉल्व थे और इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स ने जो वॉर का खर्चा हुआ था वो खर्चा रिकवर करने के लिए क्या करा था, बहुत सारे वॉर लोन्स ले लिए थे, इंडियंस पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे, टैक्सेस के नाम पे उन्होंने कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी थी और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था इन द नेम ऑफ वॉर, इनकम टैक्स। ठीक है, जो चीजें नॉर्मली कम रेट पर मिला करती थी उन सबके प्राइसेस क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है ना, इंडियंस जो नहीं चाहते थे वॉर का पार्ट होना फिर भी उन्हें क्या करना पड़ रहा था, आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था। ठीक है, तो लोगों को गुस्सा होता कि जिस वॉर से हमको आइडियली ऑन एन आइडियल नोट क्या है कोई फायदा है ही नहीं, उस तरह के वॉर का पार्ट हम क्यों बने। चीजें महंगी होती जा रही थी, टैक्सेस बढ़ रहे थे और उसी टाइम 1918 में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। 1921 तक ये चलता रहा, क्या क्या चलता रहा, क्रॉप फेलियर के कारण फूड शॉर्टेजेस, उसके साथ ही एक एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब महामारी, ऐसी बीमारी जिसमें लाखों लोग मर गए, इन्फ्लुएंजा भी आ गई थी, जिस वजह से इंडियंस और ब्रिटिशर्स से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। उनको लग रहा था ब्रिटिशर्स एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए कोई मेजर काम नहीं कर रही है। 1915 में इंडिया में किसने एंट्री मारी, महात्मा गांधी ने। किसने एंट्री मारी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। महात्मा गांधी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के राइट्स के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च कर चुके। ठीक है, तो बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट, ही वॉज अ पार्ट ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट, उन्हें पता था कि गवर्नमेंट को आप किस तरीके से बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हो। इंडिया में आते ही उन्होंने तीन बड़े रिवॉल्ट करे थे। सबसे पहला रिवॉल्ट किया था चंपारण बिहार में, सत्याग्रह किया था अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। दूसरा किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, किस चीज के अगेंस्ट, हायर लैंड रेवेन्यूज और रेंट्स के अगेंस्ट। और 1918 में कहाँ किया था, अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने। महात्मा गांधी के आने से इंडिया में किस चीज का स्कोप बढ़ गया था, महात्मा गांधी के आने से इंडिया में रिवॉल्ट्स वगैरह का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब मास मूवमेंट आने लगे थे, लॉन्च होने लगे थे, यानी कि अब मास मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंडिया में लॉन्च हो रहे थे। ठीक है, इन मास मूवमेंट्स को कर्व करने के लिए, इन मास मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करा, इन मास मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का पर्पस क्या था, लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो मास मूवमेंट्स की लॉन्च करने की हिम्मत आई थी, इस हिम्मत को तोड़ने के पर्पस से रॉलेट एक्ट आया। ओके, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट को अगर हम लोग बहुत शॉर्ट में समझें तो रॉलेट एक्ट बेसिकली 1919 में आया था। ठीक है ना, जो इसको हम लोग तीन शब्द में कहते हैं, नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। क्या मतलब हुआ इसका, नो दलील, नो वकील और नो अपील का मतलब ये हुआ कि रॉलेट एक्ट किसने पास किया था, सबसे पहली बात इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। रॉलेट एक्ट किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, एज पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर एज पर रॉलेट एक्ट, ठीक है, हमने पुलिस को, गवर्नमेंट ने पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए, मास मूवमेंट्स को दबाने के लिए। ठीक है, अंडर दिस एक्ट इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये बंदा पॉलिटिकली हैवॉक क्रिएट कर सकता है तो आप क्या करोगे, उनको जेल में डाल दोगे और 2 साल तक उनका ट्रायल नहीं होगा, मतलब जो 2 साल तक प्रूफ नहीं होगा कि उनका गुनाह था भी कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि बहुत अनफेयर। ठीक है ना, नो द नो वकील, आप कोई लॉयर हायर नहीं कर सकते, आपको जेल में ही रहना है। नो द वकील एंड नो अपील, इज इट क्लियर, रॉलेट एक्ट सबको क्लियर है। इन ऑर्डर टू अपोज रॉलेट एक्ट, इन ऑर्डर टू अपोज रॉलेट एक्ट, उन्होंने भी अपने एंड पे, यानी कि इंडियंस ने भी अपने एंड पे क्या करे, बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च करे, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, बहुत सारी जगहों पर वेंड जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, जैसे कि रेलवे वर्कशॉप्स पे, और बहुत सारी शॉप्स क्या कर दी, बंद कर दी गई।
ठीक है ना, ब्रिटिशर्स को ये रैलीज वगैरह पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ऑल दीज रैलीज उन्होंने क्या करा, लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठाया ताकि वो और हैवॉक क्रिएट न करें, वो लोगों को और ज्यादा भड़काए नहीं। महात्मा गांधी को बोला अब आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो दिल्ली में एंटर करेंगे तो वहां के लोग को भड़काएंगे और वहां पर भी रैलीज और मास मूवमेंट्स लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएंगे। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, कर्फ्यू की तरह एक लॉ होता है मार्शल लॉ, वो इम्पोज कर दिया गया। और जनरल डायर ने क्या करा, चार्ज बिल्कुल दे। और जनरल डायर का एक ही पर्पज था, अगर आप क्राउड को शांति से नहीं समझा पा रहे हो तो आप उनको क्या करो, डरा दो। तो इसीलिए जनरल डायर ने पहली बार ओपन फायर कब किया, 10 अप्रैल को एक पीसफुल क्राउड पे क्या करा, ओपन फायर किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जनरल डायर मानते थे कि लोग उनसे क्या कर जाए, डर जाए, ठीक है। और वो इस तरह के जो रिवॉल्ट्स हैं ये रिवॉल्ट्स करना क्या कर दे, बंद कर। तो प्राइमरी फैक्टर व्हाई डिड जनरल डायर वेंट ऑन सच एन एक्सपेंसिव स्टेप जो उनको बहुत भारी पड़ा बाद में, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे, ठीक है ना, और रॉलेट एक्ट को अपोज करने के पर्पज से भी क्या आए, ठीक है ना। उन्होंने क्या करा, जनरल डायर ने एरिया में एंट्री करी, एग्जिट गेट को ब्लॉक कर दिया और इतने सारे लोगों पर ओपन फायर कर दिया, 100 लोग करीब मर गए। इन सब चीजों का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, सत्याग्रही जितने भी थे उनके दिमाग में क्या करना, एक डर बिठाना। किसका डर, ब्रिटिश रूल का, कि अगर आप इनकी पॉलिसीज को अपोज करोगे तो आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जलियांवाला बाग मैसेकर, या व्हाट डू यू नो अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये चीज लिखनी है। ओके, तो बेटा महात्मा गांधी ने बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर का जो रूल है इंडिया पे, जो ब्रिटिशर्स ने राज करना स्टार्ट किया है, वो इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना ही बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल अपने आप को लैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब ये एक तरीका था कि आप कॉपरेट मत करो और ब्रिटिशर्स को इंडिया से क्या करो, बाहर भगाओ, ठीक है। इसके अलावा एक मूवमेंट लॉन्च करना क्यों जरूरी था, क्योंकि इंडियंस जो थे वो जलियांवाला बाग मैसेकर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, उनको लगा था ये चीज नहीं होनी चाहिए। और हाउ कैन अ ब्रिटिशर किल एन इंडियन वेरी इजीली लाइक दैट, और उसके बाद इंडियंस इस पे रिएक्ट भी ना करें, ठीक है। दूसरी बात, मुस्लिम्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या थे, बहुत ज्यादा अपसेट थे। क्यों अपसेट थे, क्योंकि उनका जो रिलीजियस लीडर था जिसको हम लोग बोलते हैं खलीफा, ठीक है ना, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, उनको एक हार्श पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमान एम्पायर। तो मुस्लिम्स का जो रिलीजियस हेड था उसको भी ये हार्श ट्रीटी किसकी वजह से साइन करनी पड़ी थी, ब्रिटिशर्स की वजह से साइन करनी पड़ी थी। तो क्योंकि मुस्लिम्स भी क्या थे, ब्रिटिश रूल से अपसेट थे, हिंदूज भी जो थे वो ब्रिटिश रूल से अपसेट थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को एक सिंगल नेशनल मूवमेंट के अंदर हम लोग क्या कर दें, यूनाइट कर दें। और इसीलिए वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइप का एक मूवमेंट लॉन्च करने के लिए तैयार हुए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तैयारी मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो ब्रदर्स पहले से ही कर रहे थे। उन्होंने मार्च 1919 में ही, जबकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ही नहीं था, एक खिलाफत कमेटी ऑलरेडी मुंबई में फॉर्म कर ली थी, ठीक है। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उन्हें समझ में आया कि जितने अपसेट हम लोग हैं ब्रिटिश रूल से, उतने ही अपसेट कौन है, हिंदूज भी है। इसलिए उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया कि हम लोग इस तरीके का क्या करेंगे, एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, क्योंकि गांधी जी वाज हिमसेल्फ वेरी एक्सपर्ट इन लॉन्चिंग मूवमेंट्स लाइक दिस। तो उनको लगा कि अगर गांधी जी इसकी लीडरशिप लेंगे तो ये मूवमेंट मास स्केल पे होगा और गांधी जी की फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैलकटा सेशन जो कांग्रेस का हुआ था सितंबर में, उसमें बोला कि हम लोग एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, किस चीज के लिए, फॉर बोथ द थिंग्स। पहला फॉर स्वराज, कि हमको अब आजादी चाहिए ब्रिटिशर्स के रूल से, और सेकेंडली इन सपोर्ट ऑफ खिलाफ। तो विद दीज ड्यूअल पर्पसेस कांग्रेस हैड डिसाइडेड टू लॉन्च अ लॉन्ग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसा बोले महात्मा गांधी ने और मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें हम लोग बहुत पॉपुलरली क्या बोलते हैं, अली ब्रदर्स, इन्होंने बोला यार हम लोग ऐसा नहीं आज बोला और कल मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, हम लोग उसको फेजेस में लॉन्च करेंगे, मतलब धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग लॉन्च करेंगे, और इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल दिया था, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था, बोले ये सारे टाइटल्स हम गवर्नमेंट को वापस करेंगे एज अ टोकन ऑफ इंसल्ट कि आपने जो किया है उससे हम खुश नहीं है और इसलिए हम हमारे टाइटल्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर, ठीक है ना? इसके साथ क्या क्या हुआ, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज हुआ, बोला जो सिविल सर्विसेज में इंडियंस काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इतना स्मूथली इसलिए ऑपरेट करवा रहे हैं क्योंकि इंडियंस उसमें काम कर रहे हैं, तो इंडियंस अब सिविल सर्विसेज, आर्मीज, पुलिस, कोर्ट, स्कूल, इन सारी जगहों पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कहीं पर भी क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, मोर ओवर हम लोग फॉरेन के गुड्स भी क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। या अगर बात करें सिटीज में इसका इफेक्ट कैसे देखा गया, तो सिटीज और टाउन्स में बच्चों ने क्या करे, स्कूल छोड़ दिए, जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स थे, ठीक है ना, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने भी रिजाइन कर दिया, ड्रॉयर्स ने प्रैक्टिस दे दी, बोला हमें इस तरह की गवर्नमेंट स्कूल्स में काम और कोर्ट्स में काम नहीं करना है, काउंसिल इलेक्शंस को हर जगह बॉयकॉट किया गया कि हम लोग गवर्नमेंट की इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, पिकेट मतलब एक लिकर शॉप के आगे हजारों लोग बैठ जाते थे, 100-200 लोग, सो दैट कोई भी इंग्लिश जो लिकर सेल कर रहे हैं, इंग्लिश जो अल्कोहल सेल कर रहे हैं वो खरीद ना पाए, ठीक है, इन सब वजहों से, क्योंकि हम लोग फॉरेन के गुड्स को हद तक बायकॉट कर रहे थे, तो इंडिया के जो हम लोग खादी वगैरह पहन रहे थे, फॉरेन गुड्स नहीं पहन रहे थे तो खादी पहन रहे थे, खादी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ, इस तरह की इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बूस्ट मिला, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये कहानी तो क्या थी सिटीज में थी, गाँव में क्या हुआ बेटा, जैसे कि एक गाँव था अवध, अवध में कौन थे, बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया अंडर द बिग अम्ब्रेला ऑफ नॉन कॉ, मतलब नॉन कॉपरेशन का लोग बहुत जोश में थे, तो उन्होंने बोला हम लोग तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जिसमें हम लोग उनको बोलेंगे कि आप रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस कम कर दो, बेगार खत्म कर दो, मतलब जो फोर्स लेबर, जब हम लोग कर्जे चुकते नहीं कर पाते हैं तो हमको जबरदस्ती क्या करना पड़ता है, तालुकदार्स और जमींदार्स के अंदर फ्री में काम करना पड़ता है, उस चीज को भी हटा दो, और ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जो प्लांटेशन सिस्टम है, जो इतना ज्यादा रेंट्स चार्ज कर रहे हैं, उनको भी क्या करो, खत्म कर दो, तो इन चीजों के लिए अगेंस्ट क्या हुआ, मूवमेंट लॉन्च हुआ, गाँव में बहुत जगह नाई धोबी बैंस भी हुए, नाई धोबी बैंस मतलब क्या, बोले हम लोग ब्रिटिशर्स को और जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको बार बार यानी कि नाई और धोबी वॉशरमैन की सर्विसेज नहीं दी, ठीक है, इस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू किसान को यूनाइट करने में लग गए अंडर वन हेड, जिसको कहते हैं किसान औद सभा, और इन्होंने क्या करा, इस तरह की एक सभा क्रिएट करी जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फार्मर्स कनेक्टेड रहे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और एक दूसरे का नॉलेज भी शेयर करें, और इस किसान औद सभा की उन्होंने करीबन 300 ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री ओपन कर दी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको लोगों ने, हर बंदे ने अपनी अपनी तरीके से समझा, क्योंकि हर बंदे ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए अपनी तरफ से समझा, मतलब अपने हिसाब से समझा, तो हर किसी के लिए स्वराज की डेफिनेशन अलग, जैसे कि प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है, आसाम में एक एक्ट आया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके अंदर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो ब्रिटिश प्लांटेशंस में काम करते थे उनको टी गार्डन छोड़ के बाहर घूमना जाना अलाउड नहीं था, यानी कि आप विदाउट परमिशन कभी भी क्या नहीं कर सकते, टी गार्डन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, अब क्योंकि आप टी गार्डन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते तो क्या होगा, आपको परमिशन लेनी रहेगी, और ऐसी परमिशन बहुत कम लोगों को दी जाती, तो जैसे ही क्या हुआ, इन लोगों ने सुना कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, सारी अथॉरिटीज को हरा के प्लांटेशन से भाग गए बिना बताए और अपने घर जाने लगे, क्योंकि इनको घर जाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, ये बहुत टाइम से अपनी फैमिली से बहुत दूर रहे, ठीक है, लेकिन 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 रास्ते में ने क्या मिली, रेल और स्टीमर स्ट्राइक मिली, मतलब जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ने जाना था वहां पर स्ट्राइक हो गई थी, और क्योंकि रेल और स्टीमर स्ट्राइक थी तो अपने घर पहुंच ही नहीं पाए,
रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनको बहुत बुरी तरीके से मारा। ठीक है, सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था, या महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पे प्लांटेशन वर्कर्स ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया था, तो हमें ये वाला आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन प्लांटेशन वर्कर्स, इज इट क्लियर एवरीवन? महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने आप में एक अच्छा खासा सक्सेसफुल मूवमेंट था, ठीक है ना? लेकिन महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, क्यों कॉल ऑफ किया? बिकॉज महात्मा गांधी को लग रहा था कि बहुत सारे जगह पर ये मूवमेंट क्या नहीं हो रहा था, बहुत जगह वायलेंट हो रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि मूवमेंट अपने आप में क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, शांति वाला होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, बहुत जगहों पर ये मूवमेंट कैसा हो गया था, वायलेंट हो गया था। एग्जाम्पल दिया है चौरी चौरा बिहार का, जहां पर 22 पुलिसमैन को क्या करा था, पुलिस स्टेशन में जला दिया था। तो इसी लोगों को लग रहा, गांधी जी को लग रहा था कि मैं एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चाहता था, पर एक वायलेंट मूवमेंट हो गया, जिस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स थे जिनको लगता था यार हमें क्या करना चाहिए, बहुत हम लोगों ने काउंसिल्स को क्या कर लिया है, बैकआउट कर लिया है, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के साथ इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए, और ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, हमें ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रह के, मतलब गवर्नमेंट का पार्ट रहकर हमें उन्हें क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, रादर दैन हम लोग कब तक काउंसिल्स को बायकॉट करते हुए चलेंगे। तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस के बीच में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे 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 क्या होता गया, ठंडा होता गया। एक रीजन और था बेटा, शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि खादी बहुत एक्सपेंसिव था, हमारे पास ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थी। जैसे कि बच्चों ने बोला हम स्कूल छोड़ देते हैं, टीचर्स ने बोला भी हम लोग भी स्कूल छोड़ देते हैं, प्रोफेसर्स ने बोला हम लोग कॉलेजेस छोड़ देते हैं, लेकिन हम करें क्या, इंडिया के पास अपनी बैकड अप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था ही नहीं जो बच्चे ज्वाइन कर पाए और टीचर्स और प्रोफेसर ज्वाइन कर पाए। जो लोग पुलिस में थे वो बोलते हैं हम लोग कब तक पुलिस सर्विस बायकॉट करेंगे, और अगर इतने टाइम तक पुलिस सर्विस बायकॉट करेंगे तो हमारे पास सैलरी नहीं आएगी, तो हमारा घर कैसे चलेगा। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या हुआ, फॉलो ऑफ करना पड़ गया, और धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठंडा। इज इट क्लियर? अब जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, वैसे ही लोगों की धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जा रही। क्यों? बिकॉज बहुत सालों तक एग्रीकल्चर अच्छा नहीं चला, जिस कारण से एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइजेस जो थी वो कम होती जा रही थी, और 1926 से लेकर 1930 तक प्राइस कम होते 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 बहुत ज्यादा गिर चुके थे। ठीक है, और इंडियंस बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे विद ब्रिटिश रूल, क्योंकि इतनी परेशानी होने के बाद भी ब्रिटिशर्स किसी तरह की हेल्प हमारे देश के लोगों को नहीं कर रहे थे, इसलिए क्योंकि लोग डिससैटिस्फाइड थे। ऑलरेडी एक इतने मास लेवल का मूवमेंट हो चुका था जिससे लोग क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए इसलिए क्या हुआ, ऐसा डिसाइड किया गया क्या कि हम लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम लोगों ने हम इंडियंस की बातें नहीं मानी तो हो सकता है ये फिर से एक मास मूवमेंट लॉन्च कर दें। तो उस मास मूवमेंट की लॉन्च से डर से इन लोगों ने क्या करा, एक कमीशन बिठाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। कौन सी गवर्नमेंट ने बिठाया? टॉरी गवर्नमेंट ने। एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाया जिसका नाम था सर जॉन साइमन, सॉरी जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, किसकी लीडरशिप में हो रहा था? सर जॉन साइमन के अंडर हो रहा था। ठीक है, इंडियंस इस कमीशन से डिससैटिस्फाइड क्यों थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था प्रॉब्लम्स है हमारी, कमीशन डिस्कस किसकी करेगा, प्रॉब्लम्स इंडियंस की प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, लेकिन लेकिन इंडियंस का कोई मेंबर ही नहीं था, यानी कि अंग्रेजों को कैसे समझ में आएगा कि हम किन किन डिफिकल्टीज से जूझ रहे हैं, और क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आएगा कि हम लोग किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस करेंगे वो तो कोई इंडियन ही बता सकता है। बट इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसलिए जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा इन 1928, सब जगह क्या हुआ, एक ही स्लोगन उठा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लोग हो, दोनों ने साइमन गो बैक वाली मतलब डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया।
आई बात समझ में? अब इनको समझ में आ गया था कि अब छोटी छोटी बातें इंडियंस को इफेक्ट नहीं कर रही, इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, इसलिए जो हमारा नेक्स्ट वॉइस रॉय बना था वो थे लॉर्ड इरविन। इरविन ने 19 अक्टूबर 1929 में बोला, हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहे, मतलब कुछ चीजों में इंडिया अपने खुद के डिसीजन ले सकेगी, बाकी चीजों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हमारे लिए डिसीजन लेगी। तो लोगों ने बोला यार इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि महात्मा गांधी, बोला हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो कांग्रेस के 1929 के दिसंबर सेशन में ये डिसाइड हुआ कि अब हम लोग क्या करेंगे। कांग्रेस का अब जो भी मास मूवमेंट लॉन्च होगा उसका एक ही एम होगा, क्या, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और बोला अब से 26 जनवरी हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब इन्हें लग रहा था कि 1929 दिसंबर के राहुल सेशन के बाद लग रहा था कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज लेकर ही शांति बैठेंगे, और अब जो भी 26 जनवरी आएगा वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?